हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं हूं शमशीर आलम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। मध्य प्रदेश के सीधी में मध्य प्रदेश विधानसभा भोपाल द्वारा गठित की गई लोक लेखा समिति की 4 सदस्यीय टीम आज सीधी जिले के दौरे पर पहुंची, जहां नगरीय इकाइयों व जनपद पंचायतों के कार्यों का लेखा जोखा कर लोक लेखा समिति द्वारा जिले में चल रहे कार्यों का जायजा लिया गया। निरीक्षण के उपरांत समिति द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में नगर पालिका सीधी व समस्त नगरीय निकायों एवं जिला पंचायत के साथ साथ समस्त जनपदों के कार्यों की समीक्षा बैठक ली गई। अधिकारियों द्वारा गैर नियम कराए गए कार्यों को लेकर लोक लेखा समिति ने नाराजगी जताते हुए 15 अगस्त के पहले लिखित रिपोर्ट मांगी है। वहीं विधानसभा लोक लेखा समिति के सभापति विशाहू लाल साहू का कहना है कि एहसास हो रहा था कि सही ढंग से काम नहीं हुआ है, उसका लेखा जोखा होना चाहिए। सरकार ने किसी काम के लिए 1 करोड़ दिया गया है, उसमें से जमीनी हकीकत में 25 लाख का भी काम नहीं हुआ है, इसका हम लोग लेखा जोखा कर रहे हैं। जिला पंचायत और नगरीय निकाय को दिया गया बजट का सही उपयोग हुआ है कि नहीं, जाँच किए अनुमानित पाई गई है। रिपोर्ट तैयार हो गई है, भोपाल में जब बैठक होगी तब निर्णय लिया जाएगा। वहीं लोक लेखा समिति द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली गई। जब बैठक से बाहर निकले सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि जो भी जांच हुई है और जो तथ्य सामने आए हैं वो गोपनीय हैं और उन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आगे की अपडेट आपको मिलती है। उसमें पहले कौन क्या काम होता था? यहाँ हॉस्टल थे लड़कों के, शिक्षा विभाग के शिक्षक रहते थे और कुछ क्लासेस लगती थी, रेगुलर सब संचालित हो रही थी। अभी इसका ताजा पर्पस क्या है? ताजा पर्पस कुछ नहीं, आप देख रहे हैं पैसा खर्च करने के लिए इसमें पैकेज कराई जा रही है। हाँ, कोई टेंडर नहीं है, ये सब ऐसे ही जिसको पाया दे दिया। और हाँ, बैठक में ही बात करेंगे। बैठक में अभी आप केवल चर्चा के लिए बता दें। अरे लिख लेंगे तुमसे, इतना फोन बात करो तो हम बताऊँ कहाँ है। हम अपने ऑफिस में जाते हैं। हाँ सुपूजन कहीं रोके रहा, रोके रहा साहब, कहीं दूसरी जगह जाए, कहाँ जाइए आप? नारे रहे हो, नारे हो हम बताओ थे बताओ कि प्रदेश की भ्रमण होनी चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण समिति है पूरे प्रदेश या तो नगरी क्षेत्र में नगरी निकाय, नगर पालिका, जनपद आपके नगरी नगर परिषद, नगर निगम, इस पर शहरी क्षेत्र में कार होते हैं, दूसरी पंचायत एवं ग्रामीण के अंतर्गत गांव में काम होते हैं और दोनों राज्य ग्रामीण विकास को दिया जाता है, एक पंचायत आपके जो नगरीय निकाय है उनको दिया जाता है। मौके पे ये एहसास हो रहा था कि सही ढंग से मौके पे कार होना चाहिए, सही ढंग से कारों का लेखा जोखा होना चाहिए। हमने किसी कार के लिए मान लीजिए 1 करोड़ रुपए दिया, उसमें वो 25 लाख का काम किया तो ये अनियमितताएँ होती हैं और इसका हम लोग हिसाब किताब करते हैं। इस समिति का विचार है कि जिला पंचायत की जो लेजर बुक है और बैंक में जितना पैसा जिला पंचायत को मिला उनका भी हम लेखा जोखा करते हैं कि जो राज
बजट के माध्यम से आपको प्रदान किया गया है उसका सही सदुपयोग ग्रामीण विकास में हुआ कि नहीं हुआ? अभी नगर इसी ढंग से नगर पालिका या नगर निगमों में भी जो राज दिया जाता है उसका सही सदुपयोग होना चाहिए। अमरकंटक से ये समिति लेखा जोखा करते आ रही है, दूसरा या तीसरा दिन है, अभी तक आपने क्या पाया? देखिए कई जगह जहाँ पे हम लोगों ने अनियमितताएँ पाई हैं सबकी रिपोर्ट हम लोगों ने तैयार किया है और जब ये बैठक होगी भोपाल में उस पर निर्णय होगा। कहाँ कहाँ किस तरह की अनियमितताएँ पाई गई? कई अनियमितताएँ हैं जैसे नगर पंचायतों में भी है, पंचायत ग्रामीण विकासों में भी है, बहुत जगह गुणवत्ता के आधार पर सड़क नहीं बनी, ग्रामीण विकास के अंतर्गत जो खेल के मैदान के लिए पैसा मिला वो भी नहीं बन पाई, इस तरह के कई कारण। एक दो जिले भ्रमण किया जा चुका है, किस पर्टिकुलर जिले में ऐसी अनियमितता पाई गई है उसको बताइए। तो जहाँ शिकायत होती है, जैसे जहाँ शिकायत हुई वहाँ पे मौके पे समिति ने अवलोकन किया, निरीक्षण किया और जहाँ शिकायत नहीं किया गया वहाँ पे। सीधी जिले में क्या शिकायत है आपको? अभी तक तो कोई शिकायत नहीं, आज देखते हैं मौके पे जाके जो शिकायत मिलेगी उसकी जाँच। सीधी जिले में यहाँ के विधायक सीधी विधानसभा के, उन्होंने विधानसभा में प्रश्न किया था कि कलेक्टर के द्वारा अनियमितताएं की गई हैं, क्या उस संबंध में यहाँ जांच टीम आई है? बिल्कुल, अगर विधायक जी चाहेंगे जहाँ वो चाहेंगे समिति के सदस्य हैं वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे और अगर गलती पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी जो भी अधिकारी हो। सीधी में और कई मामले हैं, जैसे विगत कार्यकाल में यात्री प्रतीक्षालय बनाए गए, टैंकरों की आवंटन किया गया, उनकी राशि में भी गड़बड़झाला किया गया, क्या उसको भी जांच प्रक्रिया में लिया जाएगा? अगर इस संबंध में कोई आवेदन समिति के सामने आएगा तो जरूर उस पर जांच की जाएगी और कार्रवाई होगी। नहीं, इसमें आवेदनकर्ता कौन होगा, मतलब ये शिकायतकर्ता जिले के लोगों को माना जाए? आपको आवेदन कर सकता है तो उसके लिए क्या? इसका तो कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ, भी कर सकता है जनप्रतिनिधि भी कर सकता है, किसी को बंधन नहीं। नहीं तो इसके लिए तो ना प्रचार प्रसार किया गया ना कोई ऐसी व्यवस्था की गई कि आप तक आवेदन पहुंच जाए? नहीं, आज भी हम लोग रुके हैं दिन भर, आप चाहें तो शाम तक दे दीजिए, कहाँ की आपकी अव्यवस्था जहाँ। नहीं, हम तो आवेदक नहीं, हम मीडिया हैं, जो भी अगर जो भी आवेदक हो वो आपसे कैसे सीधे मिल सके? सीधा मिल सकता है, हमसे कोई आपत्ति नहीं, सीधा मिल सकता है यहीं पे। समिति की बैठक थी, हमारी यह बैठक गोपनीय होती है, विधानसभा की कार्यवाही की तरह गोपनीय है, हम इसके बारे में बाहर कुछ नहीं कह सकते, ना हमारे सभापति जी कह सकते, हम इस पर जो भी है अपने सदन पर विधायक जी आप किन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं ये इसमें ये भी हम नहीं बताएं। जो आपने जो आपने सीधी शहर के विकास कार्य शहर का भ्रमण किया वहाँ क्या देखा? शहर का भ्रमण जो किया वो कितने संतुष्ट है? जो भी देखा जो भी किया वो सब साइलेंट। अध्यक्ष जी, समीम मोबाइल सर्विस यूनियन बैंक रोड सिंगरौली मोरवा, हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग और नए मोबाइल बेचे जाते हैं, संपर्क करें 9826834786 पर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, पोल खोल पोस्ट के सुबह सवेरे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अखबारों में छपी बड़ी खबरों पर होगी चाय पर चर्चा, हम करेंगे अखबारों का विश्लेषण, हो जाइए तैयार सुबह सवेरे चाय पर। धन्यवाद। हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी।